Welcome to BSc Live Classes, official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. In this video, I will teach you the memory based question asked in SSC CGL 1. जो भी ये mix up होंगे दोस्तों, ऐसा मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ये 1st December या फिर 2nd December का है. जितने भी मेरे पास questions मिले हैं मैं आपको करा रहा हूँ. और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि ये memory based question नहीं, question ही है. बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डिटो सेम है, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं, आप भी एज अ स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं. आप ये नहीं बोल सकते कि आप मैथ्स के सारे क्वेश्चंस ही आप कॉपी करके लेके आ सकते हैं. हाँ, विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्टीज टीम और जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनके रिव्यू के बेसिस में मैंने ये आपको 5 या 6 जो भी क्वेश्चन से लेके आया हूँ, ताकि आपके आने वाले अपकमिंग में जिनका भी एग्जाम है उनको हेल्प हो सके. चलिए, नाउ आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. That is A, B and C divided an amount of rupees 10,500 amongst themselves in the ratio of 5:7:9 respectively. If each one gets rupees 500 more, then what will be the ratio of the amounts with A, B and C? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों. सबसे पहले देखिए A, B and C का रेशियो गिवन है आपको. That is A, B and C in the ratio of 5:7:9. इन सभी का टोटल कितना गिवन है? दैट इज 21. दैट मीन्स 10,500 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 21 से, तो ये ऑलमोस्ट आपका 5 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है. दैट मीन्स दिस इज 500. यानी कि इस सभी को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज ऑल्सो 500 एंड दिस इज ऑल्सो 500. दैट मीन्स दिस विल बी हाउ मच? 2500. This will be 3500 and this will be how much? 4500. अगर इन सभी में मैं अगर additions करूं 5 more, यानी कि 5 और मैं add कर दूं, ठीक है, अगर मैं 5 और add कर दूं, that means यहाँ पे plus 5 और add कर देता हूं मैं. अगर 500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे और 500 में यहाँ पर भी add कर दूं. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है. दैट मीन्स दिस विल बिकम 3000, दिस विल बिकम्स 4000 एंड दिस विल बिकम्स हाउ मच? 5000. 30 30 एंड 30 गॉन. दैट मीन्स रेशियो विल बी हाउ मच? 3:4:5. दिस विल बी द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज द टोटल ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एवरेज. एवरेज के ऊपर में बेस्ड है ये क्वेश्चन. दैट इज द टोटल ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 265 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस 6 नंबर. दैट मींस व्हाट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ एवरेज? एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट इज आप ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन 6a माइनस a, यानी कि ये मोर का केस है. इज इक्वल्स टू हाउ मच? 265. दैट मीन्स 5a इज इक्वल्स टू 65. दैट मीन्स ये अगर 5 से मैं कैंसिल कर दूं, दिस इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स. दैट मीन्स एवरेज इज इक्वल्स टू हाउ मच? 53. और इसी का वैल्यू आपको पूछा है दोस्तों. दैट इज आंसर इज 53. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज द सम ऑफ 3 नंबर इज 98. दैट मीन्स टोटल इज गिवन. टोटल इज हाउ मच? दैट इज 98. एंड इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड, दैट मीन्स इफ दिस इज फर्स्ट नंबर दिस इज सेकेंड नंबर. रेशियो दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर. द रेशियो इज गिवन दैट इज 2:3. देन दैट ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड विल बी हाउ मच? दैट इज 5:8. सपोज दिस इज योर थर्ड नंबर. चलिए ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको रेशियो के ट्रिकर से. ओके, दैट आई एम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ रेशियो ट्रिकर. ओके, अब यहाँ पे आपको एक ब्लैंक स्पेस चाहिए, यहाँ पर भी आपको स्पेस चाहिए. क्या आप वर्टिकल ले सकते हैं? नहीं. रूल्स ये बोलता है इसका कि आप वर्टिकल नहीं लोगे. इसका जो भी पड़ोसी नंबर है आप वर्टिकल नहीं लेना है. आपको क्या लेना है? आपको लेना है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल नेवर पड़ोसी नंबर लेना, यानी कि आप 8 नहीं ले सकते. आप क्या ले सकते हो? 3. क्या यहाँ पे मैं 2 को ले सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे मैं लूंगा 5 को.
और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स आंसर विल बी 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 8 = 24। अगर इन सबको मैं ऐड करूँ दैट मीन्स 15 × 24 = 49, दैट मीन्स 49 का वैल्यू अगर 98 है तो वाट इज द वन यूनिट, वन यूनिट आंसर इज 2। देन वाट इज द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर यानी कि आपका 24, दैट मीन्स 24 विल बी 48 एंड दिस 48 इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज 48 इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आई एम सॉल्विंग हियर। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज अ रिडक्शन ऑफ 15% इन अ प्राइस ऑफ सॉल्ट एनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 केजी मोर फॉर रुपीज 272। सपोज आप 272 रुपीज मार्केट लेके गए, इसका मुझे बताइए 15% कितना होगा। देखिए ओरली कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पहले 10% आप बोल सकते हैं कि सर ये 27.2 होगा और इसका हाफ ले लीजिए, दैट मीन्स 13.6। अगर मीन सबको ऐड कर दूं दैट मीन्स 40.2। अब ये 42.2 रुपीज 40.8 में आपको 2 केजी क्या मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि 1 केजी का जो भी प्राइस है इसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 20.4 एंड दिस 24 पॉइंट इज योर रिड्यूस्ड प्राइस, दिस 20.4 इज योर रिड्यूस्ड प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900, दैट मीन्स योर मार्क प्राइस इज गिवन दैट इज 900। और इफ अ शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 20%, अगर वो किसी भी गुड्स को अगर वो 20% के लॉस में बेच रहा है, दैट मीन्स 1/5 में बेच रहा है। इफ देर इज अ केस ऑफ लॉस दैट मीन्स दिस ऑल्सो आई एम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ये सीपी है और ये एसपी है, दैट मीन्स अगर 5 मेरा सीपी है तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा 4। नाउ आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 36%, दैट मीन्स डिस्काउंट इज हाउ मच 36%, दैट मीन्स 36/100, दिस इज 4 9 टाइम्स एंड दिस इज 4 25 टाइम्स, दैट मीन्स डिस्काउंट इज बेस्ड ऑन एमपी एंड एसपी। अगर मेरा एमपी 25 है तो मैं 9 डिस्काउंट यानी कि 25 में 9 का डिस्काउंट, जैसे मैंने 5 में 1 का डिस्काउंट दिया था यहाँ पे 4 हुआ, उसी तरह से मैंने 25 में 9 का डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स दिस बिकम 16। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है। अब इन तीनों रेशियो को मैं मर्ज करूंगा, दैट इज सीपी एसपी एंड एमपी। एसपी एसपी मुझे कॉमन दिख रहा है यानी कि इसको भी मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी मेरा 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों और ये भी मेरा हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स सीपी विल बी माई 80, एसपी विल बी माई 64 एंड एमपी विल बी माई हाउ मच, दैट इज 100। नाउ दिस एमपी वैल्यू इज गिवन हाउ मच 900, तो ये इसका कितना मल्टीपल है 9 टाइम्स, आपसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स दिस अमाउंट यू हैव टू फाइंड आउट, दैट मीन्स 9 × 8 = 720, दिस 720 इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके नाउ दिस क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है हम लोग कौन सा ट्रिकर से सॉल्व करेंगे, दैट इज रुपीस को इक्वल करके, रुपीस को हमेशा इक्वल करना है। आप ये बोल सकते हैं कि सर 45 लेमन्स का प्राइस 40 है, दैट मीन्स अगर 40 रुपीस में मुझे, अगर 40 रुपीस में मुझे 45 लेमन्स मिल रहा है, दिस इज रुपीस दिस इज क्वांटिटी, अगर मैं से 5 से 8 टाइम्स काट दूं और 5 से 9 टाइम्स काट दूं, दैट मीन्स 8 × 7 बोलेंगे आप, देन हाउ मेनी ही सेल फॉर रुपीस 24, यानी कि 24 में अगर वो सेल करे तो कितना सेल करेगा, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, देन डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि सर 24 रुपीस में 27 क्या करेंगे वो सेल करेंगे, देन टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन ऑन इट, मतलब कितने अमाउंट वो सेल करे ताकि वो 20% क्या कर सके प्रॉफिट को अर्न कर सके। चलिए तो अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते, आपको मालूम है दोस्तों ट्रिकर, दैट इज प्राइस इनटू कंजम्पशन का रेशियो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, दैट मीन्स
24 और ये 27 आपके पास है, दैट मीन्स 3 8s and 3 9s, तो ये रिवर्स हो जाएगा, दिस विल बी 9 and 8, दैट मीन्स अब ये 9 के लिए आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 27, तो ये इसका कितना मल्टीपल हो गया 3, देन डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स टोटल चलिए एक मिनट दोस्तों, यहां तक सही था हम लोग किए थे, ठीक है, उसके बाद चलिए, दैट इज अ प्राइस, दैट इज प्राइस एंड इनटू कंजम्पशन का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। अब देखिए देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, यानी कि लॉस है 20%, यानी कि वो 80% से बेचा होगा, दिस इज जीरो, दिस जीरो कैंसल, 2 4s एंड दिस इज 2 5s आप बोल सकते हैं, हाँ या नहीं, बट आपको ये क्या बोल रहा है आपको 20%, चलिए 20% आपको प्रॉफिट में बेचा है वो, दैट मीन्स डेफिनेटली एक केस में आपका लॉस हो रहा है और एक केस में आपका प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स आप बोलेंगे कि अगर ये 80 में बेचा होगा तो ये 120 में बेचेगा, दिस इज द लॉस केसेस ऑफ 20% एंड दिस इज द प्रॉफिट केसेस ऑफ 20%, दिस जीरो कैंसल, 4 2s and 4 3s, दैट मीन्स 2:3 का रेशियो जो है वो कन्वर्ट होके आपका 3:2 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द रूल्स, दिस इज द ट्रिकर रूल्स ऑफ वॉट प्राइज इंटू कंजम्पशन, ठीक है, दैट मीन्स 3 के लिए अगर 27 है दोस्तों, ये जो 3 के लिए 27 मेरा यूनिट आया, दैट मीन्स 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल है 9 times, दैट मीन्स ये भी इसका मल्टीपल 9 times हो जाएगा, दैट मीन्स एक्चुअल आंसर विल बी इफ ही विल सेल 18 यूनिट्स, दैट मीन्स डेफिनेटली विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 24 ही विल गेन 20%, ठीक है। तो चलिए ये थे दोस्तों कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, आप एक बार जरूर देख के जाइए ताकि आपके अपकमिंग आने वाले जितने भी शिफ्ट है उसमें आपको हेल्प हो सके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।